आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त खबरों का। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल विश्वविद्यालय के वीआईपी विश्राम गृह में एक इंटरव्यू होता है, इसके बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिया गया, लेकिन जब ज्वाइनिंग लेटर लेकर उम्मीदवार विश्वविद्यालय पहुंचे तो उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र बताकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नौकरी के नाम पर ठगी का मामला प्रकाश में आया, क्या मामला है और आपके साथ कितनी ठगी? मामला ये है कि लगभग जनवरी में मेरी मुलाकात हुई थी राहुल सिंह पटेल से। राहुल सिंह पटेल जो कि यहीं आपके ग्राम रजहा का रहने वाला है। बाद में ये हुआ कि आदमी कई लोग हैं बेरोजगार हैं, बेरोजगारी में आदमी इधर उधर भटक रहा है, तो वो ये बोला कि भाई आपको विश्वविद्यालय में यदि नौकरी करना हो तो हम आपकी लगवा सकते हैं, आपकी नौकरी विश्वविद्यालय में मैं करवा सकता हूँ। वो भी यदि बाद में ये हुआ कि किस पद में है, कहाँ के कैसे खाली है, तो बताया कि लाइब्रेरियन की कुछ पोस्ट खाली है। यदि आपके पास ग्रेजुएशन है, कंप्यूटर का डिप्लोमा है, तो आप लाइब्रेरियन के लिए पोस्ट के लिए हैं, इतनी आपकी हो जाएगी। और ये बोला कि मैं महू विश्वविद्यालय महू में, अम्बेडकर विश्वविद्यालय महू में मैं खुद नौकरी करता हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर हूँ। मेरी भी जॉब मतलब ऐसे ही इसी माध्यम से 3-4 साल पहले हुआ था, 2 साल मुझे नौकरी करते हो गया। फिर हम लोग इसको धीरे धीरे कुछ पैसा दिए, पैसा उसके खाते में डाले, बाद में ये हमें एक स्लिप दिया, उसमें ये लिखा हुआ था कि आपका 29 नवंबर 2018 को आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जब वो डेट आया हम लोग ये बोले कि भाई हमारी ज्वाइनिंग अभी नहीं हो रही है, फिर बोला कि आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, बिना इंटरव्यू के अब नहीं होगा, मोदी जी कुछ अपना चेंजेस कर दिए हैं कि ग्रेड सी या डी में नहीं होगा, बी वाले ग्रेड में आपका इंटरव्यू होगा। तो हो गया इंटरव्यू के लिए, फिर हमको लेटर जारी किया, 4-5 बच्चे थे सभी को इंटरव्यू लेटर दिया। इंटरव्यू लेटर में 15 जनवरी 2019 को इंटरव्यू होना था, पर उस दिन किसी कारणवश इंटरव्यू नहीं हो पाया, इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हुआ। तो ठीक दूसरे दिन बाद 17 तारीख को हमारा वो 8:30 बजे वीआईपी गेस्ट हाउस में विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर वो हमारा इंटरव्यू कंडक्ट करवाया, रात में, रात्रि में। कितने लोग थे आपके साथ? हमारे साथ 4 लोग हम थे, 3-4 लोग और थे, 7-8 बच्चे थे जिनको वो आगे काम वाम चल रहा था, कुछ ऐसा गेट का काम था, तो वो पीछे की साइड से कहीं से लेकर आया था। इंटरव्यू कंडक्ट करवाया, फिर ये हुआ कि आपका इंटरव्यू हो गया है, आप और पैसा करवाइए, आपका ज्वाइनिंग करवा देते हैं। कितना पैसा आपको? मैं उसको पर्सनली अपना 4-5 बच्चों का मिला के 12 लाख रुपये उसको मैं दिया हूँ। ऐसे कितने लोग हैं आपके संपर्क में जो उसको पैसा दिए? ऐसे कई बच्चे हैं सर, 125-127 बच्चे तो हमारे खुद ही जानकारी में हैं जो इसको पैसा दिए हैं, कैश के माध्यम से भी दिए हैं, कुछ लोग इसके खाते में भी दिए हैं। ये फिर इसके बाद इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद ये ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र दिया, 2 लोगों को दिया, एक बी ग्रेड का दिया, एक डी ग्रेड का दिया। फिर ये हुआ कि चलिए इनका हम कर दे रहे हैं, बाकी लोगों का बाई स्पीड पोस्ट सभी के एड्रेस पे ज्वाइनिंग लेटर पहुंच जाएगा। फिर बाकी लोगों का इंटरव्यू लेटर ये नहीं पहुँचा, जिनको जिनको दे चुका था, 2 बच्चों का दिया था उनके पास मिला। अब ये हुआ कि इनकी ज्वाइनिंग होने वाली है, उसमें भी एक नई डेट आ गई, इस डेट में आपकी ज्वाइनिंग हो गई। जब आदमी ज्वाइनिंग करने गया तो वहाँ पता चला कि ऐसी कोई भर्ती नहीं है, फर्जीवाड़ा है पूरा, आप इसका FIR करिए। और इसके बाद वो चित्रकूट का भी एक लड़का दिया था, वीरेंद्र सिंह नाम है उसका, वीरेंद्र पटेल, तो वहाँ पे भी हम लोग गए तो वहाँ भी पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। विश्वविद्यालय द्वारा ये बोला गया कि आप सीधे FIR करवाइए, जो होगा तो फिर आगे देखा जाएगा। विश्वविद्यालयों के नाम पर कराया? चार हम लोगों की जानकारी में 4 विश्वविद्यालय पे, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, पंडित समूहनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय शाहडोल, महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर और ग्रामोदय, महात्मा गांधी ग्रामोदय चित्रकूट विश्वविद्यालय में किया था। 4 विश्वविद्यालय का ये पैसा लिया था। इस मामले को लेकर आप क्या APS में किसी संपर्क किए अधिकारियों से? जब हम लोगों की ज्वाइनिंग का डेट आया तो पता चला कि वहाँ पे ऐसी कोई डेट नहीं है, ऐसी कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है, न ऐसा कोई आदेश जारी किया गया है, जो भी आपको दिया गया है ये पूरी तरह से फर्जी है। वहीं के 1-2 कर्मचारी थे VC के सामने, निकुलपत सर से तो नहीं किया था, पर वहाँ पे मुलाकात हमारी हुई थी बुद्धसेन पटेल से, जो वहाँ पे कर्मचारी संघ के अध्यक्ष थे, उनसे भी बात हुई, तो ये बोले कि सीधे आप देख लो, जो जैसा हो तो आप FIR करवा दीजिए। तो 14 दिसंबर 2019 को हम लोग थाने में गए, 7-8 बच्चे मिलकर थाने में रिपोर्ट दायर करने के लिए आवेदन दिया कि सर ऐसा ऐसा हम लोगों के साथ में हुआ है, कृपया इसकी जांच की जाए और जो उचित हो उसे उचित कार्रवाई पे FIR दर्ज की जाए।
फिर इसके बाद वो राहुल सिंह पटेल भी हमसे क्या है कि संपर्क धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। बीच बीच में बातें होती थी कि आज पैसा दे देंगे, हम लोग उससे पैसा बोलने लगे कि यदि आपकी भर्ती नहीं हो पा रही है या नहीं हुई है, कुछ ऐसा दिक्कत है तो आप हमारा पैसा वापस कर दीजिए। पैसे की बात करने लगे तो 3 महीने 4 महीने 1 महीने का समय लेने लगा। फिर इसके बाद थाने से भी ऐसी कोई जाँच नहीं हुई, बस ऐसी पूछताछ हुई, सब कुछ हुआ, हम लोग उनको जानकारी दिए। और बाद में फिर 18 मार्च 2020 को हम लोग एक नया आवेदन दिए। नए आवेदन के बाद फिर कोरोना लग गया, उसके बाद सब कुछ बंद था, तो वो भी बोला कि कोरोना लगा हुआ है, पैसा दे रहे हैं दे रहे हैं। फिर इसके बाद अभी भी आपके संपर्क में है क्या हुआ सर? उसका संपर्क में सर ये 20-25 दिन से या लगभग 1 महीने से वो मेरा नंबर ब्लैक लिस्टेड किया हुआ था। फिर भी मैं उसको व्हाट्सएप में मैसेज करता था कि राहुल भाई ऐसा ऐसा है, आप पैसे वापस करिए, जो जिसका जहाँ जहाँ पे है। तो मैसेज को वो पढ़ लेता था पर उसका जवाब नहीं देता था। बाद में फिर हमारी मुलाकात सर से हुई, मृगेंद्र सिंह बघेल जी से मुलाकात हुई। सर आप पत्रिका पेपर में पत्रकार हैं, इनको पूरी जानकारी हम बताए कि सर ऐसा ऐसा मैटर हमारे साथ हुआ है, थोड़ा सा आप इसमें मार्गदर्शन करिए, क्योंकि पुलिस भी नहीं सुन रही है, विश्वविद्यालय में भी हम लोग गए थे वो लोग भी नहीं सुन रहे थे। इस पूरे मामले में अभी तक 127 लोग निकल कर सामने आ चुके हैं, जिनमें से नौकरी के नाम पर करोड़ों की वसूली की गई है। नौकरी के नाम पर अपना सब कुछ लुटा चुके अभ्यर्थी अब पुलिस थानों का चक्कर लगा रहे हैं। बता दें कि ठगी का शिकार अभ्यर्थियों में से एक अभ्यर्थी अजीत सिंह निवासी त्योथर अपनी व अपने पत्नी सविता, भाई मनोज सिंह व जीजा शिवेंद्र सिंह के नौकरी के लिए तकरीबन 15 लाख रुपए दिए थे। इसी तरह शिकार हुए 127 लोग और भी हैं। इस पूरे मामले में विश्वविद्यालय के कुछ कर्मचारियों की भी संलिप्तता बताई जा रही है, जिनमें से दो नाम फरियादियों के द्वारा उजागर भी किए गए हैं, जिनमें से एक नाम राहुल पटेल जो महू विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं, तो वहीं दूसरा नाम विनोद तिवारी कुलपति का गार्ड बताया गया है। इधर मामला उजागर होने के बाद पूरे मामले को कुलपति ने संज्ञान में ले लिया है और कुल सचिव से रिपोर्ट तलब की है। साथ ही उस संदिग्ध कर्मचारी को भी कुलपति कार्यालय से हटा दिया गया, जिसका नाम एजेंटों के साथ मिले होने में आ रहा है। विश्वविद्यालय के नाम पर किए गए इस घोरक धंधे से विश्वविद्यालय के अधिकांश लोग अब तक अनजान थे। कुलपति प्रोफेसर एमपी पाठक ने अधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा की है, लेकिन सवाल यह उठता है कि विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर वीआईपी विश्राम गृह में इतने बृहद टाइम आने पर इंटरव्यू लिया जाता है और इंटरव्यू के पश्चात उन्हें नियुक्ति पत्र भी थमाया जाता है। बता दें कि विश्वविद्यालय प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगती, यह बात किसी को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि यहां एक चौंकाने वाली बात यह है कि फरियादी द्वारा इंटरव्यू दिनांक में जिसके नाम पर रूम लिया गया था उनकी जानकारी के लिए आरटीआई लगाया गया, लेकिन तकरीबन 8 महीने बीतने के बाद भी अब तक आरटीआई के द्वारा चाही गई जानकारी नहीं दी गई है, जिससे इससे साफ जाहिर होता है कि विश्वविद्यालय के कई मठाधीश भी इस संदेह के घेरे में है। जी, ये मामला कल पत्रिका समूह के पत्र से संज्ञान में आया हम सब लोगों के। कल प्रातः ही उसकी कटिंग के साथ, क्लिपिंग के साथ हमने एक नोटशीट कुल सचिव जी की ओर भेजी और साथ में चर्चा भी की, जिसका आज स्टार ने मेरा वर्जन भी छापा। कल हम लोग अपनी आगामी परीक्षाओं को लेकर एक रणनीति के लिए समिति के अधिकारियों के साथ बैठे हुए थे, इसलिए कल उस पर अधिक कार्यवाही नहीं, केवल कार्य के लिए संबंधितों को निर्देश भर दिए गए। आज अभी सुबह आते ही हमने कुल सचिव जी को ये कहा है कि निश्चित रूप से घटना से जुड़े तथ्यों की सूक्ष्मता से जांच करें और उसमें विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी का नाम भी प्रकाश में आ रहा है उसकी क्या सत्यता है इसकी जांच करें, तथा जिन स्थलों के विश्वविद्यालय कैंपस में इन विधि विपरीत गतिविधियों के कारित करने का उल्लेख हो रहा है उनके संबंधित अधिकारियों से पूछताछ भी करें और तदुपरांत इसकी वैधानिक स्थिति का भी पता करें कि आखिरकार ये फर्जीवाड़ा
गृह विभाग तक पहुंचा है कि नहीं, पुलिस विभाग इसमें अपनी कार्यवाही संज्ञान लेकर कर रहा है कि नहीं। अगर पुलिस विभाग ये कार्यवाही कर रहा है तो निश्चित रूप से दोषियों को लेकर और विश्वविद्यालय के पास छानबीन तथा तफ्तीश के लिए वे आएंगे। तफ्तीश के पहले हम सब लोगों का ये दायित्व है कि हम अपने सूचनाओं और अभिलेखों को तदनुसार उनकी सहायता के लिए, कानून की सहायता के लिए तैयार रखें। तो इस लाइन पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी कुल सचिव से मंत्रणा के बाद हम शाम तक ये बता पाने की स्थिति होंगे कि आखिरकार इस उस पर विश्वविद्यालय स्तर पर हम लोगों ने कार्यवाही को किस सीमा तक है। विश्वविद्यालय के अंदर एक कैंपस के अंदर जो चार विश्वविद्यालयों के नाम से, हाँ जी जी वो पता था। नहीं तो आप देखिए, किसी भी गतिविधि के लिए एक वास्तविक गतिविधि है, न्यायिक गतिविधि है और एक उसका उल्टा फर्जीवाड़ा है। न्यायिक गतिविधि में तो विश्वविद्यालय ने इस तरह की, अब किसी विश्वविद्यालय ने भी कभी नियुक्तियों का कोई प्रस्ताव, विज्ञापन या किसी माध्यम से दिया नहीं है। अब कोई अपनी ओर से फर्जीवाड़े के तहत विश्वविद्यालय के बैनर का, विश्वविद्यालय के अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर का या इनका प्रयोग करके काम कर रहा है, तो ये तो पुलिस विभाग के अपनी कार्यवाही का हिस्सा बनता है। विश्रामगृह में इंटरव्यू हुआ जी, जिसका उसने आरटीआई लगाकर जानकारी मांगी तो फरियादी को अभी तक जानकारी भी नहीं दी। हाँ, दो एवेन्यूज इसमें हमारे विश्वविद्यालय से सीधे जुड़े हुए हैं। एक किसी विश्वविद्यालय का नाम, कर्मचारी का नाम आ रहा है और दूसरा एक किसी विश्वविद्यालय के भवन का इस कार्य हेतु, अनुचित कार्य हेतु उपयोग आ रहा है। इन दोनों परिस्थितियों के लिए कुल सचिव को कार्यवाही करने का हमने निर्देश दिया है। FIR हम नहीं करा पाएंगे, इसलिए कि FIR फरियादी कराता है। जो पीड़ित है उसका क्या दायित्व है, वो चाहे हमारे पास फरियाद करे किसी व्यक्ति को जिसके साथ उसका इंटरेक्शन हुआ हो, अथवा जिस पुलिस प्रशासन के पास फरियाद करे। फरियाद के बाद हम जांच में अपना पूरा सहयोग करके उस फर्जीवाड़े के दोषी व्यक्तियों को दंडित कराने का पुरजोर प्रयास करेंगे।